तौकते नाम का चक्रवात लोगों के लिए पहेली बनता जा रहा है। कृषि और मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि ये साइक्लोन कई इलाकों के लिए मुसीबतों का सबब है, तो कम बारिश के क्षेत्रों की खेती के लिए किसी उपहार से कम नहीं। हमने ये जानना भी जरूरी समझा कि आखिर उत्तर भारत के वे कौन से इलाके हैं जहां तौकते अपना प्रभाव छोड़कर जाने वाला है। वैसे तो मौसम वैज्ञानिकों की माने तो तटीय क्षेत्र में जिस ताकत के साथ ये तूफान आगे बढ़ रहा था, गुजरात तक पहुंचते पहुंचते इसकी तेजी में कमी आई है। हालांकि इससे अभी आफत टली नजर नहीं आ रही। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में ये तूफान कहर बरपा सकता है, जिससे तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के संकेत दिख रहे हैं। साइक्लोन की बात चल रही है तो ये कब तक इसका और किस किस जिलों में आप ज्यादा प्रभाव देखते हैं? पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार की बात की जाए, पूरी बेल्ट की। आज 19 तारीख को जो इस समय की स्थिति है, ये सीवियर साइक्लोन राजस्थान के ऊपर है और इस समय ये सीवियर साइक्लोन एक निम्न दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। इसका मतलब ये होता है इसकी ताकत थोड़ी कम हुई है, बट जो अरब सागर से मॉइस्चर फीड आ रहा है वो ये अपनी ओर आकर्षित करने में पूरा भरपूर आ रहा है। उसके वजह से राजस्थान, आज शाम तक दिल्ली और उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर तेज हवाओं के साथ पूरी वर्षा होगी, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा होगी, कहीं कहीं कम होगी। जहां तक कानपुर शहर का है तो यहां कल से आज तक 24.6 बारिश दर्ज की जा चुकी है। इसके बाद कल तक अभी उम्मीद है कि बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में कभी कभी धूप भी निकलेगी और मेघ गर्जना के साथ अभी भी करीब 10 या 15 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। वैसे तो उस चक्रवात का केंद्र उत्तर भारत के कई प्रदेशों में पड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग की माने तो लगभग पूरे उत्तर भारत में चावल की बुआई से पहले किसानों को इस कोरोना काल में ऊपर वाले की तरफ से सिंचाई का मुफ्त लाभ मिलने की उम्मीद है। सर ये बताइए कि जो है जैसे नॉर्थ बेल्ट है तो इसमें कब तक इसका प्रभाव रहेगा? ये परसों तक रहेगा, परसों के बाद ये उत्तराखंड होते हुए आगे निकल जाएगा। यानी कि लगभग टोटल 72 घंटों का जो है ये एक पीरियड। जी 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 72 घंटों का नहीं, इसकी स्पीड होती है। जैसे ये 3 दिन पहले अरब सागर में बना था, इसके बाद इसने क्या किया, पहले केरल, केरल के बाद कर्नाटक, ये सारे तटीय इलाकों में, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र, गोवा, इससे करीब 250 किलोमीटर तट के चलता रहा सीधा। इसके बाद आके ये लैंडफॉल हुआ गुजरात पे। गुजरात पे जैसी लैंडफॉल होता है, कोई भी जो सीवियर साइक्लोन होता है, उसके बाद उसकी ताकत आधी रह जाती है। जैसी लैंड करता है, जब वो सी सरफेस पे रहता है तो उसकी ताकत बहुत रहती है, क्योंकि जो भी मौसमी सिस्टम होते हैं सब उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर भी इसने बहुत नुकसान पहुँचाया है, लोगों की मृत्यु भी हुई है और बहुत कच्चे घरों को नुकसान पहुंचाया है, बहुत कच्चे घर गिरे। सर नुकसान की बात की जाए तो मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार और जो ये नॉर्थ बेल्ट है उसमें कितना लगता है नुकसान पहुंचा? उत्तर भारत में नुकसान नहीं हो रहा है इस समय जो हमारी क्रॉप है, मूंग की क्रॉप खड़ी हुई है और इसके बाद सारी सब्जियों की क्रॉप है, उसके लिए तो फायदेमंद है। बस किसानों को जल निकासी का प्रबंध करना पड़ेगा। जल निकासी का प्रबंध अगर वो कर लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। एक फायदा है कि अगली जो अर्ली धान की वैरायटी होती हैं उनकी 20 मई के बाद उनकी पौध तैयार करी जाती, नर्सरी तैयार करी जाती है, उसके लिए किसानों को ये पानी जो बरस गया है इससे वो जुताई कर लेंगे और नर्सरी बेड तैयार कर लेंगे और अर्ली नर्सरी भी तैयार हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे से बातचीत में किसानों के लिए काफी उम्मीद की किरण जागती दिखाई देती है। गुजरात के लिए जहां ये तौकते चक्रवात मुसीबत लेकर आया है, तो कम दबाव के क्षेत्र में आने के कारण तौकते पूरे उत्तर भारत के किसानों के लिए उम्मीद और आशा की भविष्यवाणी लेकर भी आया है। बिफोर प्रिंट के लिए कानपुर से विकास वाजपेयी की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।